नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व हुई एक दुकान पर दिन दहाड़े लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने माल सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी अभी भी फरार है। वहीं आरोपियों द्वारा नकली पिस्टल, जो कि क्लाइटर के रूप में पिस्टल थी, जिसे दिखाकर सोने की चेन और रुपए लेकर फरार हो गए थे। दरअसल इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के इटवारिया बाजार कांच मंदिर के पास रंग महल स्थित शादी की शेरवानी की एक दुकान पर दिन दहाड़े लूट हो गई थी, जिसमें आरोपी द्वारा दुकान में घुसकर दुकान मालिक को बंधक बनाकर नकली पिस्टल दिखाकर सोने की चेन, शादी की शेरवानी व नगद रुपए लेकर फरार हो गए थे। वहीं इस दौरान आरोपियों की नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी और आरोपियों ने कैमरे तोड़ दिए और डीवीआर निकालकर साथ ले गए। पकड़े गए आरोपी राहुल और नरेंद्र द्वारा नकली पिस्टल ऑनलाइन मंगवाई गई थी, जो कि एक लाइटर का काम करती थी, जिसको आरोपी राहुल व नरेंद्र द्वारा लूट में इस्तेमाल किया गया था। वहीं आरोपियों द्वारा पूर्व में महेश्वर व अन्य जगहों पर भी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। वहीं डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि जिस साइट से ऑनलाइन पिस्टल आरोपी राहुल व नरेंद्र द्वारा बुलवाई गई थी, उसको भी बैन करने की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी। दो दिन पूर्व मल्हारगंज में एक फनफनीखेज घटना हुई। उस घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाजार के बीच में हुई, दिन में हुई, लगभग शाम को 5 बजे, और आसपास के इलाके में काफ़ी भीड़ थी। ये पुलिस के लिए एक बड़ी चौंकाने वाली बात भी थी और चुनौतीपूर्ण भी थी, क्योंकि दिन में किसी के दुकान से आकर के पैसे ले जाना, लूट ले जाना और चेन खींच के ले जाना, ये दोनों चीज़ें बड़ी फनफनीखेज थी और चुनौतीपूर्ण थी। इसमें लगातार मल्हारगंज की टीम ने, इसमें थाना प्रभारी मल्हारगंज, CSP मल्हारगंज, एडिशनल SP इफ़ जोन 3, सभी वेस्ट जोन 2, सभी ने काफ़ी इसमें अच्छे ढंग से इसमें लगातार मेहनत किया, और अंततः पूरी टीम की लगातार मेहनत के बाद इसमें पूरे गैंग को पकड़ लिया गया है। गैंग इसलिए कि इनके द्वारा पूर्व में भी, न सिर्फ इंदौर में बल्कि इंदौर के आसपास के दूसरे जिलों में भी वारदातें की गई हैं। इसमें खास बात ये थी कि इस पूरे मामले में संबंधित व्यक्ति को पिस्टल दिखा करके घटना की गई थी। जब इस मामले में पूरा पिस्टल जब्त किया गया, तो चौंकाने वाली बात ये थी कि ये पिस्टल के स्वरूप में जो पिस्टल थी, ये पिस्टल ना होकर के लाइटर है, जो कि पिस्टल के स्वरूप में है। और ये पिस्टल जब उस लाइटर जलाते हैं तो लाइटर जलाने के काम आता है, लेकिन चूंकि आम व्यक्ति के लिए तय कर पाना संभव नहीं है कि ये पिस्टल है या फिर लाइटर है। बहरहाल उसने इस तरह की घटना कुछ दिनों पूर्व महेश्वर में भी एक लूट की घटना स्वीकार की है, और मुख्य तौर पर जब ये घटना हुई, इस घटना में उन लोगों ने पहले रेकी की थी, उस दुकान पे गए थे, और उस दुकान में जाने के बाद वहाँ पर शादी के लिए जो शेरवानी है, शेरवानी किराए पर दी जाती थी, और उसमें एक व्यक्ति ने किराए पर लेकर शेरवानी लेने के लिए उसको नापा, नापे के बहाने थोड़ा दुकान में अंदर तक गए, इसको दुकान के बारे में सारी छोटी छोटी जानकारियाँ मालूम थी, वहाँ पर उसने पैसे निकाले, संबंधित व्यक्ति को लाइटर दिखा करके चेन खींची और वहाँ से लेकर के भाग गए। इस पूरे गैंग में तीन अपराधी हैं, जिसमें मुख्य जो आरोपी हैं दो, राहुल और जो नरेंद्र, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी की पुलिस लगातार उसमें तलाश कर रही है, उसके बारे में भी जानकारी मिल चुकी है। इन तीनों को पकड़े जाने से ऐसे कई मामलों का, जो कि दूसरे जिलों में भी घटित हुए हैं और यहाँ का एक जो मामला था, इनका खुलासा होगा। इसमें टीम को 20,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। पुलिस को इस बात पर जरूर था कि शहर के आसपास के हैं, शहर के हैं, क्योंकि बीच बाजार में हम जानते हैं कुछ इलाके में गलियां काफ़ी सक्रिय हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, शाम को बाजार का समय था, तो ऐसे में बाहर के किसी व्यक्ति के लिए ऐसी घटना कर पाना मुमकिन नहीं था। इसलिए जब इसको देखा गया, तो इसने 2-3 दिन पूर्व से रेकी की थी, दुकान में पहले भी आए थे दूसरे तरीके से, चूँकि मास्क लगा करके आए थे इसलिए सीधी पहचान नहीं हो पाई थी। आने के बाद इन्होंने ये देखा कि पैसा कहाँ रखा जाता है, वहाँ पर आसपास में दुकान में कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों के पास उनकी उम्र क्या है, किस हद तक को मुकाबला कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का इन्होंने पहले समय आकलन किया। और उसके बाद जब लगा कि नहीं, इस दुकान में ज़्यादा लोग नहीं रहते, एक ही व्यक्ति रहता है, बाकी जो लोग थे बच्चे थे या उनकी घर की महिलाएँ थीं, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने समय का एक चुनाव किया और उसके बाद इन्होंने वारदात की। बहरहाल ये बंदूक जो लाइटर है, ये मुख्य तौर पे ये इसने ऑनलाइन मंगाया है। पुलिस इसको भी काम कर रही है कि इसने किस वेबसाइट से मंगाया है, कहाँ से मंगाया है,
और उसको बैन किया जाएगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह के भ्रामक हथियार को बेचना, भले ही वो हथियार ना हो लेकिन इस तरह के अपराधों को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं वो मददगार है, इसलिए पुलिस उसके विरुद्ध भी करेगी। ये मुख्य तौर पर डायरी के साथ लाइटर मिलती है, ये डायरी के साथ में लाइटर, हाँ उसी में है, वो उसी के साथ हो डायरी के साथ है, और मुख्य तौर पर ये जो है लाइटर जब तुम्हें ठीक है तो उसको करके और लोगों को डरा करके और इस तरह से भ्रम पैदा करके अचानक इस तरह कोई ले गया तो ऊपर से देख के समझ पाना काफ़ी मुश्किल है, और इसने इसको दिखा करके ही पहले भी वारदातें की हैं। मुख्य तौर पर जो वारदात महेश्वर में हुई है, जो लूट की घटना, उसमें भी जो वीडियो फुटेज आए थे उसमें एक व्यक्ति जो कि सामने आया यही पिस्टल दिखाते हुए, उसमें फोटोग्राफ्स आए थे पुलिस के पास में। सर शेरवानी लूटने का क्या कारण रहा, किसी की शादी थी इन तीनों में से या कोई और? मुख्तार इसमें शेरवानी लूटने का कारण नहीं था, शेरवानी लूटने का सिर्फ एकमात्र कारण यह था कि उस दुकान में एक ही व्यक्ति रहता था, अगर वो दुकान हो सकता है किसी दूसरे कोई कपड़े की होती, कोई गर्म सूट का होता तो हो सकता है वो चीज़ ट्राई करते, क्योंकि इसमें आए तो उन लोगों ने उसको भरोसा दिलाने के लिए कि हमें शेरवानी लेनी है, शेरवानी पहना, और शेरवानी पहनने के बहाने चूँकि अंदर एक ऐसा गोदाम की तरह होता है जिसमें व्यक्ति अपना स्टोर करता है सामान, उस जगह पर हो गए, वहाँ उस व्यक्ति को तभी ले आ सकते थे जब उनको उस तरह उसको पहन करके देखना होता था, और वहाँ पर जाने के बहाने लेकर वहाँ अकेले में वो चैन खींची गई, उस व्यक्ति के जेब में जो पैसे थे निकाले गए और वहाँ शेरवानी के साथ ये आरोपी भाग गए। बहरहाल पुलिस ने इसमें कड़ी मेहनत के बाद न सिर्फ सभी आरोपियों की पहचान की है, मुख्य दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, इसमें शेरवानी से लेकर के चैन और बाकी सारी चीज़ें उसमें जब्त कर ली हैं, जो इसमें चैन और जो पैसे गए थे, शेरवानी गई थी, वो सारी चीज़ें भी जब्त कर ली हैं। घटना में जिस पिस्टल का प्रयोग किया गया, भले ही वो भ्रांतिपूर्ण था लेकिन पिस्टल का उपयोग किया है इन लोगों ने, उस पिस्टल को भी जब्त किया गया। इनका इसमें राहुल का आपराधिक रिकॉर्ड है, इसमें ये परदेसी पूरा क्षेत्र में इसका रिकॉर्ड है, और अभी कुछ वारदातें ऐसी हैं जिसमें जिसको उसने वारदात किया है, इसमें उसके फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, और उन फोटोग्राफ्स के आधार पर बाकी जो पुलिस है उनको यहाँ की कार्रवाई के बाद इतला दी जाएगी ताकि वो भी अपनी आगे वैधानिक प्रक्रिया को कर सके। अभी मुक्त पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।